सोलन में कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता सोलन नगर निगम प्रभारी राजेंद्र राणा ने की। इस मौके पर सोलन के विधायक कर्नल धनीराम चांडिल और जिला अध्यक्ष शिव कुमार उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता के माध्यम से राजेंद्र राणा ने भाजपा पर कई निशाने साधे। उन्होंने कहा कि भाजपा सोलन के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और यही कारण है कि सोलन में ज्यादातर विकास के कार्य लंबित पड़े हैं या कछुए की चाल से चल रहे हैं। भाजपा जानबूझकर इन विकास कार्यों को पूरा नहीं करना चाह रही है। यही कारण है कि सोलन विकास की बाट जोड़ रहा है, जिस पर उन्हें जवाब देना होगा या फिर आने वाले चुनावों में जनता उन्हें जवाब देगी। नगर निगम सोलन कांग्रेस के प्रभारी राजेंद्र राणा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के 3 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने सोलन के विकास के लिए क्या कार्य करवाए, उसके लिए वे श्वेत पत्र जारी करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विधायक द्वारा सोलन में विकास के लिए अनगिनत कार्य करवाए गए, लेकिन ज्यादातर कार्यों में भाजपा ने उन कार्यों को पूरा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा कि सोलन की जनता सब जानती है और वे नगर निगम चुनावों में इसका जवाब जरूर देगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने मंडी को नगर निगम बनाना था, इसलिए सोलन को नगर निगम बनाना उनकी मजबूरी रही। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रचार कर रही थी कि उनकी डबल इंजन की रफ्तार से दौड़ेगी, लेकिन अब नाबार्ड और वर्ल्ड बैंक का इंजन टोचन कर डबल इंजन को खींच रहा है। सोलन नगर निगम का चुनाव हो रहा है, कांग्रेस पार्टी अपना लेखा जोखा 5 साल का जिसको श्वेत पत्र के रूप में जारी करने के लिए तैयार है। भाजपा सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि 3.5 साल में सोलन नगर में कितने काम किए, कितने काम रोके और कितने कामों को धीमी गति से शुरू किया, तो इस पे सरकार श्वेत पत्र जारी करे। इस सरकार ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री 14 अप्रैल 2018 को सोलन आते हैं और एक ट्रांसपोर्ट नगर की घोषणा करके जाते हैं, तो क्या कारण है कि 3 साल का अरसा गुजर गया और 3 साल के अरसे में भी ये नगर जो है ट्रांसपोर्ट नगर है उसका काम शुरू नहीं हुआ, तो क्या सरकार की जो रफ्तार है काम की, इस बात से आंकलन लगाया जा सकता है कि 3-3 साल गुजर जाते हैं और इनसे फाउंडेशन स्टोन नहीं होता। शहर के लोगों ने फैसला करना है कि इनको काम वाली सरकार चाहिए कि घोषणा और पब्लिसिटी वाली सरकार चाहिए। दूसरा मैंने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले बार बार ये दावा करती रही कि दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल प्रदेश में भी आप बनाओ और डबल इंजन की सरकार चलेगी। मैं कह रहा हूं कि पेट्रोल डीजल फ्यूल इतना महंगा हो गया है कि ना हिमाचल प्रदेश में जो इंजन है इनका, इसमें फ्यूल इनको तेल डलवाने के लिए कुछ मिल रहा है क्योंकि फ्यूल बहुत महंगा हो गया, और दिल्ली वाला जो है वो भी इंजन फ्रीज हो गया। अब डबल इंजन नहीं, अब इसको हम इस सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार कहेंगे। ट्रिपल इंजन में तीसरा इंजन कौन सा जुड़ा है? ट्रिपल इंजन जो है तीसरा इंजन इनका है नाबार्ड और वर्ल्ड बैंक, जहां से ये लोन ले रहे हैं वो इंजन किनका चल रहा है? लोन लेने वाला इंजन चल रहा है। और ये जो वर्ल्ड बैंक और नवार्ड है, ये जो तीसरा इंजन है, इससे जो 2 इंजन है उनको टोचन करके जो है टैग करके टोचन करके जो है खींचने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में विकास हो नहीं रहा है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार कब बने और फिर से जो विकास के काम रुके पड़े हैं उनको फिर से शुरू किया जा सके।